दोस्तों, मैं अर्चना त्यागी बनास के गांव में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे घर ऊख चुला रहा है और ऊख चुला करके वो ढूंढा बनेगा और उसका गुड़ बनेगा। और आज का मौसम देखिए, ये पूरा कोहरा है, पूरा बनारस के गांव में पूरा कोहरा है, बहुत ही ठंड है। और ये देखिए, पूरा कोहरा ढका हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पूरा खेत कितना कोहरे से ढका हुआ है। ये देखिए, ऊख छुला रहा है और ये पूरा ऊख छुला जाएगा पूरा। ये देखिए, पूरा कोहरे से ढका हुआ है। ये देखिए पूरा, अरे ये देखिए, ये पूरा ऊख है, पूरा है। देखिए दोस्तों, ये पूरा ओस लगा हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये पूरा ओस लगा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा पानी पानी है। अब हम लेके चलते हैं आपको उधर ऊख के पास और उधर वो छिला रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये ऊख जड़ से कट रहा है, ऐसे देखिए, ये उससे फरसे से कट रहा है। इसको ऐसे कई तरीके से काटेंगे, फटाफट काट काट के इसको गिराएंगे। फिर गिराने के बाद इसको हम लोग छोलेंगे, छिलने के बाद फिर उसको किनारे किनारे जो मिट्टी लगा है उसको काटेंगे, फिर ये हमारा जाएगा टुंडा बनने और गुड़ बनने। ये देखिए, ये जड़ से निकल रहा है। ये भी आपको लोगों को देखिए, ये जड़ दिख रहा है ना, जहाँ मिट्टी दिख रहा है वहाँ पर है। ये देखिए, ये इसी तरह छिला रहा है। इसकी सारी पत्तियों को निकाल देंगे और इसी पत्तियों को बाद में हम झोंकने का काम होगा, क्योंकि उसी पत्ती से आग जलते हैं तो गुड़ बनेगा, ढूंढा बनेगा। ये देखिए, ऐसे निकाल रहे हैं बहुत बारीकी से, दीदी लोग निकाल रही हैं। ये देखिए, इसे पूरे हाथ गंदे हो जाते हैं, पूरा काला लग जाता है हाथ में। और ये ऊपर से शॉर्ट डाली है ताकि कपड़े ख़राब ना हो, ये पूरा काला काला लग जाता है। ऐसे देखिए, ऊपर के भाग को ऐसे तोड़ देंगी, तोड़ के निकाल देंगी तो वो जो हरा हरा वाला भाग है वो गाय भैंसों के लिए काम आ जाएगा। ये देखिए, ये गाय भैंसों के लिए रखा गया है, और ये चरी से काट करके गाय भैंसों के लिए रखा गया है। अब ये देखिए, ये उसको छील करके ये गन्ना हम लोग साइड में रख दिए हैं। ये देखिए, ये किनारे का भाग को छीलेंगे, मिट्टी निकाल देंगे ताकि रस बनाते समय मिट्टी रस में ना आए। ये देखिए, अच्छे अच्छे से निकल रहा है, इसको अच्छे से निकाल देंगे। निकाल करके इसको ऐसे ही साइड साइड में रखा रहा है। बहुत मज़ा आता है ये सब काम करने में, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, बहुत बारीकी से निकल रहा है। अब सभी ऊँख को ये देखिए, ऐसे पोहरी की सहायता से इसको बांध लेंगे बहुत ही टाइटली। ये देखिए, दीदी लोग बांध रहे हैं। हमारे यहाँ दीदी लोग बोलते हैं तो ये देखिए, ये लोग अच्छे से बांध रही हैं। इसको अच्छे से बांध लेंगे, फिर बांध करके टाइटली देखिए बांधते हैं ताकि ये छूटे ना। ये देखिए, रस्सी का काम करता है, गांव में बहुत ही जुगाड़ वाला काम होता है, बहुत ही मजबूती से रहता है। ये देखिए, अब ये बंधा गया, ये देखिए बंधा के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब ये सब जाएगा टाली पर, टाली पर सब लदा जाएगा, लदा करके फिर जाएगा। ये देखिए, हमारा टाली पर लदा गया है और ये छोटा सा है, ये देखिए जा रहा है टाली पर, जिधर रूप पर आएगा उधर जा रहा है। ये देखिए, हमारे खेत में खरगोश महाराज जी भी आए हैं, हम जो हम लोग जी आए हुए हैं, इनको भी हम लोग लेके आ गए। दोस्तों, हम लोगों का सारा ऊख छिला गया है और ये हम लोग ऊख चू रहे हैं गन्ने को, बहुत ही मीठा है। और अब कल हम लोगों का बनेगा गुड़, गुड़ बनेगा तो उसको हम लोग आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। हम लोगों का ऊँख चुआ गया, पूरा छिला गया, मैं आपको दिखाई कैसे कैसे हुआ काम। उसी तरह हम लोग 2-3 घंटे तक किए,
और अब हम लोग घर जाएंगे और कल हम लोगों का गुड़ बनेगा। तो तब नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।